नज़ारे अगर आप देखें तो यहाँ पर वहाँ से एंट्री होती है, लेकिन कितनी दूर आपको पैदल चल के आना होता है। और सच बताऊं तो अगर आपको यहाँ घूमने आना है तो आप शाम के टाइम आइए, 6 बजे से लेके आपको जो नज़ारे यहाँ देखने को मिलेंगे वो बहुत ही भव्य होते हैं, क्योंकि लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। आइए अब क्या उधर चलते हैं, उधर से भी आपको दिखाते हैं। खत्म हो गए तब क्या दिखा रहे हो, हमने पिया नहीं है, ये सच्ची बता रहे हैं आपको, ये हमने नहीं पिया है, ये हमने वहाँ से ऐसी कप उठा लिया केवल वीडियो बनाने के लिए। अरे अभी 25वीं दूर है, हाँ दोबारा शादी करवा रहे हो मेरी, देख लीजिए आप लोग मेरी दोबारा शादी। अरे उनकी भी हो चुकी, वो पति है उनके, थोड़ी शादी होगी, सबकी शादी हो गई यहाँ पे, पूरी शादी दोबारा करा रहा है ये शैतान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है ना वो मेरे भैया भाभी के साथ बन रहा है और बड़ा ही इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन एक गलती हो गई, हम लोग माइक लाना भूल गए हैं, लेकिन मजा तो वैसे ही आने वाला है क्योंकि हम हैं, तो माइक की जरूरत क्या है, इतना तेज बोलते हैं गला मार मार के, तब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग को शर्म नहीं आती है, है? जाए कि अभी शादी करवा के मानोगे तुम लोग। फाइनली अंदर आ चुके हैं बीएचयू कैंपस के अंदर हमारे विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिल चुके हैं और आप देख सकते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, भाई इतने सुंदर सुंदर सब्सक्राइबर, हमें थोड़ी सी जलन हो रही है। तो बीएचयू टेम्पल के बाहर हमारे सब्सक्राइबर मिले, भाई आप कहाँ रहते हैं, और कैसा लगा वैसे? अरे बाबा की दीवानी हो, अरे बाबा की दीवाने, तो भाई आप सुन रहे हैं, दर्शन ना करूँ मेरा मन नहीं होता। आज हम थोड़ा सा माइक लाना अपना भूल गए घर में, लेकिन आपको हमने अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से भी मिलाया है, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, बोल रहे हैं तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते तो मेरा नोटिफिकेशन कैसे जाएगा आप लोगों के पास, है ना, वो जरूर कर लीजिएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, आज यहाँ का व्यू जो है ना बड़ा ही प्यारा लगता है, और जब लाइट्स जलती है ना तो उसकी तो बात मैं क्या ही बताऊँ आपको, थोड़ी देर में आपको यहाँ की लाइट्स जलती है और यहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम बीएचयू टेम्पल के अंदर हैं, और मैं आपको बताऊँ तो बनारस में दो ही टेम्पल ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे मार्बल से बने हुए हैं, एक आपका बीएचयू मंदिर है और एक है आपका राम मंदिर है, जो कि है ना तुलसी मानस मंदिर है, जो कि पूरा का पूरा मार्बल से ही बना हुआ है, और यहाँ पे आपको जो अब श्लोक वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आपको वॉल पे लिखी हुई मिलेंगी, और वो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। ये देखिए देव के दर्शन कर ही लिए हैं, तो अब बारी आती है नंदी जी से भी कुछ मांगना होना चाहिए, आइए चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आपको आज बड़ी बहुत बड़ी विश मांगेंगे हम, आप उस तरफ से कान दबाएंगे तभी मांगेंगे, नहीं तो निकल जाती है दूसरे कान से, मम्मी बोलती है निकल जा। अरे उधर से पहले कान, उधर से वाले कान से पकड़ लेंगे, निकल जाएगा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, अब पूर्वा को आने दो, अब पूर्वा आओ, हटा दो हाथ, हटा, अब वो मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब तो विश मांग लिया, मांगो क्यों ऐसे ऐसे उल्टा नहीं करते, जल्दी से इधर से उधर से निकाल देंगे, निकाल देंगे तो मेरे घर वाले जो सुनते नहीं है, एक गाल सुनते एक गाल निकाल दो, हो गया। हाँ पे
देखिए एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर भी मिली है और कितनी प्यारी लग रही है। हेलो कर दो सबको। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या मिश्रा है। अरे मिश्रा जी है भाई ये तो यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर भी मिली है। और एक बार हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव। अरे वाह, एकदम हमारे स्टाइल में बोला इन्होंने, एकदम दिल जीत लिया। अब भाई इनको फोन दे दीजिए, फोटो वोटो लेंगे। तो हमारी सब्सक्राइबर बड़ी ही प्यारी सी और सुंदर सी मिली थी और कान दबा के हमने बोला था जैसे हमारे घर वाले नेगलेक्ट करते वैसे नहीं करते। सब सोच रहे हैं घर वाले बात ही नहीं मानते, मानते हैं कभी कभी। तो आप यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे हमारे तो मंदिर के ऊपर जो लाइट्स जल रही है वो भी आप इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है और इसी की रोशनी सीधे ऊपर पड़ती है मंदिरों के मंदिरों पर मतलब क्या मंदिर पर। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई है और यही लाइट्स की रोशनी जो है वो सीधे आप देखेंगे तो वहाँ पे ध्वजा में पड़ रही है जो कि बेहद खूबसूरत लग रही है। और मेरी आवाज़ के लिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आज हम माइक भूल गए हैं लाना, तो भाई थोड़ा सा मैनेज वैनेज कर लीजिएगा। इसमें चुड़ैल लग रही हूँ, थोड़ा हारे जाते हैं इधर से तो आइए चलिए चलते हैं। और आज तो मैंने कहा ना कि आज आपको मैं बीएचयू में का जो मंदिर है वहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। तो अंदर चलते हैं, अब अंदर का तो दिखा दिया ना, अब तो बारी है ऊपर चलने के लिए। और ऊपर चलते हैं और ऊपर से भी आपको पूरा व्यू दिखाते हैं वहाँ का। आइए चलिए चलते हैं, तो देर किस बात की है। लाइट्स वगैरह बड़ी गजब गजब की लगी हुई है, वो भी तो देखना बनता ही है। आपको दिखाया तो इस तरफ से एंट्री भी होती है, मतलब एंट्री होती है। इस तरफ क्या नज़ारे हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे वहाँ से एंट्री होती है। लेकिन कितनी दूर आपको पैदल चल के आना होता है। और सच बताऊं तो अगर आपको यहाँ घूमने आना है तो आप शाम के टाइम आइए, 6 बजे से लेके आपको जो नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही भव्य होते हैं क्योंकि लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर। आइए अब क्या उधर चलते हैं, उधर से भी आपको दिखाते हैं मंदिर है, ऊपर भी आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हर तरफ लोग ही आपको दिखेंगे और सब इतने खुश रहते हैं ना, घूमने जाने के बाद इंसान खुश रहता है ना। बहुत ही प्यारी लगती है ये, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये बीएचयू टेंपल में ही है, दूसरे फ्लोर पे, पहले फ्लोर पे। आप क्या पीछे 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 हंसे हंसे ना क्या है, सपने इस ब्लॉग को यही करते हैं। नहीं अरे नहीं 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 इधर आपको इधर एक और दर्शन नहीं, इस तरफ एक और मंदिर है बड़ा प्यारा सा, वो भी आपको दर्शन कराते हैं। आज हमने इस मंदिर का कोना कोना आपको दर्शन कराया है एक तरह से, क्योंकि विश्वनाथ जी आने के बाद कई लोगों को चीज़ें नहीं मालूम होती, तो हमने कहा क्यों ना पूरी जानकारी दी जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लक्ष्मी जी के दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण। यहाँ पे आप दर्शन करें श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण पादुका के। और ये देखिए यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही भव्य दर्शन है। ये भी आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलेगा, विश्वनाथ जी दर्शन करने आप आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये दर्शन मिल जाने वाला है यहाँ पे। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है बाहर से, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी कराई गई हुई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है। अरे भाई हमारे एक आपको एक लोगों से मिलाना है जिनका खुद का भी चैनल है, मिस्टर धवन एंड मिसेस धवन करके। क्या चैनल का नाम? अरे कहाँ भागे जा रहे हैं, अरे आइए पति देव आप आइए भाई। नहीं इनका भी एक चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए और देखिएगा, और क्योंकि बड़ा ही अच्छा चैनल है जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं ये लोग, अभी न्यू स्टार्ट किया है तो बहुत जल्द आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग भी उसमें, और मतलब अभी तो शॉर्ट है, शॉर्ट्स है, लॉन्ग भी है। हाँ लॉन्ग भी है, तो अभी आपको वो भी मिलने वाला है। भाई चैनल का नाम तो बता दीजिए। मिस्टर एंड मिसेस धवन, ये है मिस्टर धवन और मैं मिसेस धवन। मिस्टर एंड मिसेस धवन हमारा चैनल का नाम है और हम लोग के लखनऊ से। अरे अरे और हम आपको बता दें हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है ये।
जाना जरूरी था और जाके जरूर इनका चैनल विजिट करेगा। उसमें फूड इनका फूड ब्लॉगिंग करने करने का है और आगे आपको और भी लखनऊ में कहाँ कहाँ क्या क्या टेस्टी टेस्टी खाने होते हैं ना वो सारे भी मिलने वाले। अभी तो आपको बनारस के भी वीडियो इनके चैनल पे मिलने वाले हैं, मिस मत करिएगा। और फिर से एक बार चैनल का नाम हो जाए मिस्टर एंड मिसेस धवन, मिस्टर एंड मिसेस धवन, मिस्टर एंड मिसेस धवन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई और थोड़ा सा बढ़ाएं इनका भी ताकि ये भी आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे सके। तो आइए अब और एक्सप्लोर करते हैं। पार्वती जी के इस तरफ दर्शन कर रहे हैं और देखिए कितनी प्यारी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, माँ के दर्शन करने को मिलेंगे। ये आप माँ के चरण पादुका है और ये देखिए ये आप दर्शन कर रहे हैं जो कि बेंचों के अंदर ही है। बहुत ही प्यारा स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्री गणेश अम्बिका पार्वती जी के। और आइए मैं उस तरफ भी आपको दिखाती हूँ और वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ पे मिल जाएंगे। सच बताऊँ तो आप काशी विश्वनाथ के अंदर आते हो दर्शन करने ना, हमारे यहाँ विश्वनाथ जी चाहे वो बाबा तो सब जगह एक है। हमारे कहते हैं कि काशी में कण कण में जो है वो बाबा विराज करते हैं, वास करते हैं, तो क्या ही बात है। तो वहाँ से ओम नमः शिवाय के जयकारे भी आ जाने चाहिए भाई आप लोग दर्शन कराते हैं। चलिए तो इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आपको पंचमुखी महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ श्री पंचमुखी महादेव के दर्शन करना है, चलिए आइए कराते हैं। कभी व्यू आपको दिखाते हैं। वैसे सच बताऊं तो यहाँ पे आने के बाद ना गजब करते हैं। और यार यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने आपको कभी भी मतलब पूरा नहीं दिखाया था विश्वनाथ ना, आज आपको पूरा एक्सप्लोर करते हैं। बीएचयू का ये टेंपल है वो पूरा एक्सप्लोर किया था, कहाँ कहाँ क्या क्या मंदिर है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप हनुमान जी के दर्शन करें भैया, हनुमान जी का दिन भी है आज हमारे, आइए दिखाते हैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। और ये जल रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। लोग आते हैं और अपनी मन्नत भी मानते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ देखेंगे तो जय श्री राम का पूरा वो लिखा हुआ है और यहाँ पे मांग चुके लोग और यहाँ पे धारे बांध के अंदर मन्नत मांगते हैं अपनी। और कहते हैं कि चीज़ें मानने से होती हैं, तो अगर आप जितना किस चीज़ पे बिलीव करेंगे ना वो ज़रूर होती है। तो आप अगर आते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे आके अपनी मन्नत भी मांग सकते हैं, धागे बांध सकते हैं। और वैसे तो आज मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर कराना है और माइक में अगर आवाज़ ना आ रही तो थोड़ा दिल से सुनिएगा, थोड़ी बहुत दिल से भी आवाज़ आती है हमारे। तो आइए उस तरफ ही चलते हैं। और वैसे लाइट जब जलती ना यहाँ की तब आता है असली मज़ा यहाँ का। तो आइए अभी चलते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और लाइट जलने का इंतज़ार करते हैं। और चलिए इधर आइए खत्म हो गए तब क्या दिखा रहे हो, हमने पिया नहीं है ये, सच्ची बता रहे हैं आपको। ये हमने नहीं पिया है, ये हमने वहाँ से कैसी कप उठा लिया केवल वीडियो बनाने के लिए। क्या है जरा बाकी पी लीजिए। तो आ चुके हैं हम बाहर और यहाँ के नज़ारे भी गजब के और पेड़ों पे आम पे नजर जा रही है। बारह मेरा कोई खिलाया नहीं हमको, लेकिन ये देखिए कितना और ये नाराज होके बैठी नीचे। ये नाराज होके बैठी है, पूछे गया क्या हुआ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी एक लाइट लगी हुई है जो कि सीधे इसकी जो रोशनी है वो ऊपर जाती है और आप देख सकते हैं उस तरफ। और ये देखिए इधर हम हमारे सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं हमें, उधर फिर कह रहे हैं। ये देखिए इस तरफ जो हमारे सब्सक्राइबर्स बैठे हुए हैं भाई, आप मिला ही दें, आ जाना ही है तो मिला ही देते हैं। और इसकी जो रोशनी आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी पूरी रोशनी ऊपर जाती है जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। अब वहीं से महादेव एक बार कर दिया जाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप एक बार हर हर महादेव, ये भाभी है, ये बड़ी हर हर महादेव। अरे एक बार साथ में हो जाए फिर बोलिए।
सब्सक्राइबर्स हैं। जी बिल्कुल हो गया, जी बिल्कुल हो गया। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स भी थे और यहाँ पे ये लाइट जो आप देख रहे हैं ठीक पीछे यहाँ पे लगी हुई है और इसी की रोशनी जो है वो सीधे ऊपर जाती है और यहाँ का जो भव्य नज़ारा है वो मैंने आपको दिखाया। आई होप आज का जो ब्लॉग है वो आपको बहुत पसंद आया। इसके आगे हम ट्रायल लग गए हैं मालूम है ना, लियो लग रहे हैं ट्रायल। तो अपने इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।